क्यों नहीं दूंगा परमिशन? जिस दिन आपने स्कूल खोला था ना, आपने मुझे कहा था 8th क्लास तक के मेरे पे परमिशन है। ताला लगेगा, फिर ताला लगेगा। एक तो अगर स्कूल चलाना है ना, बहुत गर्मी से चलाओ, दिमाग से निकाल दो विधायक जी। हमने भी कि मुझे पंकज सती जी का पहले पंकज सती से हमने एडमिशन थोड़ा करवाया भाई साहब, हमने तो आप पे एडमिशन करवाया भाई। आप मुझे बताओ, मेरे आप दसवीं की बात किया होगा, फोन करो मंत्री के। आप बताइए आप क्यों बैठे हैं, आप बताइए प्रिंसिपल का मतलब क्या है? तो आप मुझे लेटर दिखाइए। बस इंग्लिश सीख के आगे दो बार और अपने गांव के बंदों का पागल बना दिया यहाँ बैठ के। घनसिंह जी ने मुझसे घनसिंह जी प्यारो पंकज वो सती आप प्यारों से मिले मंत्री जी? क्या मैं गया मंत्री जी ने मुझे बुलाया, मैं मंत्री जी के पास गया। मंत्री जी ने इन्होंने जो पेरेंट्स को बताया हुआ था, ये बताया हुआ था कि ये हाई स्कूल तक एफिलेटेड है, इनके पास एफिलेशन नहीं है। मेरी खुद इनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि उत्तराखंड बोर्ड से इनका एफिलेशन है। इनका अगर एफिलेशन होता तो क्या बच्चा, मतलब बोर्ड इतना ज़्यादा लापरवाह है कि दो बच्चों के भविष्य के साथ वो खेलेगा? इनके पास एफिलेशन नहीं है। नंबर दो बात, जब भी पेरेंट्स इनसे पूछने आए तो इन्होंने ये जवाब दिया कि आपके बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है। अटेंडेंस पूरी नहीं है तो इन्हें जब बच्चा नहीं आ रहा था इन्हें उस वक्त बताना चाहिए था। इन्होंने यूँ बताया पेरेंट्स को कि आप बैक डेट में जाकर मेडिकल बनवा के लाइए किसी सरकारी हॉस्पिटल से। मैं ये बात है, ये इतना गंभीर आरोप है कि बच्चे ने 9th यहाँ से करी है, 10th यहाँ से करी है, और अब जब 10th के एग्ज़ाम थे तो पता लगता है कि स्कूल की एफिलेशन ही नहीं है। यदि अब हमारा बच्चा अगर दोबारा से एडमिशन लेता है तो वो दोबारा से 9th में लेगा, 10th में लेगा, तो हमारे बच्चे के तो 4 साल खराब हो गए। क्या इस तरह से, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा लापरवाह है बच्चों की एजुकेशन के प्रति कि इस तरह से फर्जीवाड़े से स्कूल खुल रहे हैं?